अजीत अंजुम मुरादनगर पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने हर एक व्यक्ति की जाति जानी, कौन जाट है, कौन गुज्जर है, कौन त्यागी है, कौन किसकी क्या कास्ट है। और इनके चैनल पर अगर हम जा कर के देखेंगे तो ये इस टाइटल में लिखते हैं, गांव गांव में पहुंच गया राष्ट्रवाद का हैवी डोज। और अगर हम इन्हीं की रिपोर्टिंग देखते हैं मुसलमानों के ऊपर, तो वहाँ पर ये देखिए, योगी के मंत्री का इस गांव में घुसना मना है, यानी कि तालिबान जिस प्रकार से हर जगह पर बैन लगा करके रखता है, अजीत अंजुम अपनी वीडियोज़ में इस तरीके के बैंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ये वीडियो है बेचैनी जो इन मुसलमानों के दिल में है, तालिबान की आड़ में बदनाम ना करो। और ये मुसलमान उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलते जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख व्यक्ति ने जाकर के तालिबान को सपोर्ट किया था और उसके बारे में बहुत सारी बातें कही थी। उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ना केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी तालिबान का सपोर्ट किया है। अफ़गानिस्तान में शरिया कानून की वापसी के लिए उन्होंने उसको शुभकामनाएँ दी हैं। यही नहीं, बड़े बड़े रिपोर्टर्स ने ट्विटर स्पेस पर जाकर के जब बातचीत करी थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपना वहाँ पर दिखाया था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह किया था। लेकिन अजीत अंजुम उसके बारे में बात नहीं करते हैं और ना ही ये मुसलमानों से पूछते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या विचार है। साथ ही साथ ये जब मुसलमानों के बीच में जाते हैं, तालिबान के लिए ऐसे शब्द इन मुसलमानों ने क्या कह दिया, मुसलमानों के जब ये बीच में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के ये कभी भी बात नहीं करते कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा फिरका क्या है। यूपी में ओवैसी फैक्टर क्या करेंगे मुसलमान, यहाँ पर ये कहते हैं कि ओवैसी को वोट मत दो, समाजवादी पार्टी को वोट दो। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर कहते हैं कि योगी मोदी ने क्या ही किया है। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये बंदा मुरादनगर में खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़े हुए त्यागी जी जो राइट में हैं, इन्होंने कहा कि हमारे मेरठ के अंदर पहली बार इतना बड़ा हाईवे आया है, दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई है। और आपको भी पता है कि अप्रोक्सीमेटली 10-12 लेन रोड बना है जो कि खुल चुका है। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरठ से लेकर के सहारनपुर तक सिंगल ट्रैक था, वो डबल ट्रैक नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, उसका विद्युतीकरण हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी ट्रेन्स बढ़ी हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि दिल्ली से लेकर के मेरठ तक रैपिड ट्रेन बन रही है। यहाँ पर अजीत अंजुम ये कहते हैं कि पहले की सरकारों ने भी तो लखनऊ में हाईवे बनवाया, देखिए कानपुर में हाईवे बनवाया। मुझे समझ नहीं आता इतना मूर्ख रिपोर्टर क्या कभी हो सकता है कि कोई मुरादनगर में, गाजियाबाद मेरठ के एरिया में खड़ा होकर के वहाँ के लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की तारीफ के बदले उनको नीचा दिखाने के लिए ये कहने लग जाए कि देखिए पूर्व की जो सरकारें थी, देखिए उन्होंने तो बुंदेलखंड में काम करवाया था, देखिए उन्होंने तो वहाँ लखनऊ में काम करवाया था, बनारस में काम। अरे भाई मूर्ख है क्या अजीत अंजुम, तू कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ के विकास की बात कर भाई, यहाँ के लोगों की रिपोर्टिंग करना है ना तू, तू यहाँ के लोगों का सवाल पूछना है तो तू ये मत बता कि किसका कहाँ पर विकास हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, फलाने के घर में सड़क पहुंच गया है, जब उसका मकान बन गया उसका मतलब नहीं है इसको, त्यागी को ना जाट को ना गुज्जर को। यहाँ तू अगर खड़ा हुआ है तो यहाँ सीधे मतलब इस बात से है कि भाई मेरे मेरठ में क्या हुआ है, तू मूर्ख आदमी है क्या। और तू जितना आजकल लगा हुआ है ना भाई, मैं तेरे को बहुत कीनली ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो यही है कि तेरी रिपोर्टिंग, और मैं देख नीचे लिखा हुआ है, द रिपोर्टर इज ट्रूली लुक्स लाइक डूइंग एंटी योगी कैंपेन, मिस्टर अजीत अंजुम लुक्स लाइक एंटी बीजेपी। लोग क्या लिख रहे हैं, बदतमीज इंसान, उसको पढ़। ऑल पार्टीज चीफ आर होली फुली एंड क्या ये अनलिमिटेडली करप्ट एक्सेप्ट योगी जी एंड असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा, एंड तू बेवकूफ़ इंसान, मतलब मुझे तेरे रिपोर्टर होने पर और इस बात पर भी शर्म आती है कि तूने टीवी पर भी काम किया। Can you all see how Ajit is trying turn table whenever someone support BJP? भाई जर्नलिज्म के बादशाह समझते हैं अपने आप को ये, और बीजेपी की तारीफ होते ही ये हो जाते हैं चुप। दादाजी आई डोंट नो, चैनल प्रमोशन ऑल्सो ही इज डूइंग बाय द टाइम ही इज एंटी योगी, क्लियरली वी कैन सी इन हीज बॉडी एंड एक्सपीरियंस। अपोजिशन मुक्त भारत हार्ट बना रखा है, दिस पीपल आर थ्रोली ब्रेन वॉश्ड, इट इज़ एक्चुअली बॉइल्ड टू कम्युनलाइजिंग। ये कौन है, अच्छा इवेंचुअली डीप डाउन इज कास्टिज्म ओनली। कास्टिज्म की बात किसने करी, यहाँ अजीत अंजुम ने करी है, सबकी कास्ट पूछे, नहीं तो कोई खास बता नहीं रहा था। अजीत जी लोगों को अपने व्यूज़ रखने दीजिए, अपने व्यूज़ उन पर मत थोपिए, लोगों के दिमाग का विकास नहीं होगा अगर वो दूसरों के बताने से ही समझेंगे। 2014 से पहले रोड नहीं बनती थी, आज महंगाई बढ़ती जा रही है। यस,
अजीत भाई, तुम्हारा दर्द हमें महसूस हो रहा है। योगी जी 4 बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, शायद 2014 से पहले तो त्यागी भी नहीं था। बीजेपी सबके बुराई करने के भेदभाव नहीं करता। किसी ने कोई कमेंट किया होगा, आई नेवर लिसन आस्क एनी क्वेश्चन टू सोनिया गांधी। अजीत जी सबकी जात जानने में बहुत इच्छुक है। मैं कितने कमेंट पढ़ूँ इसमें, नीचे तक के जो भी कमेंट्स हैं भाई, वो सारे के सारे इसी बात को दिखाएंगे, तुम्हें पता लगेगा। और ये अजीत अंजुम अपने आप को क्या समझता है, ये अपने आप को रिपोर्टर समझता है। मैं तो कहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों, तुम तो बड़े होशियार हो, तुम समझदार हो यार। पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोग कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़ते हो। इनके प्रोपेगेंडा को समझो, ये जब मस्जिद के सामने जाता है बंदा, तो वहाँ जा कर के, मैंने उसका वीडियो दिखाना आप लोगों को, एक वीडियो बना के इसके ऊपर, ये बंदा जब जाता है मस्जिद में तो मस्जिद में जा कर के उनकी पूरी अदब और कायदे से बात करता है, लेकिन जब ये हिंदुओं में जाता है तो वहाँ पर जा कर के ये पूरी तरीके से कास्टिज़्म की बात करता है, कास्ट में तोड़ने की बात करता है। यस, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बंदे की बात को समझो और कम से कम इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर रखो। गंदा है ये इंसान।